अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक भाई हैं। हम पूछते हैं भाई से कि भाई किधर है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी वज़ीर ज़ादा। तो वज़ीर ज़ादा भाई जान, आप कितनी देर से यहाँ न्यूयॉर्क में हैं? मैं अप्रैल 2015 में आया था। अच्छा, तो कहाँ? Yes. पाकिस्तान से सीधे यहाँ आए न्यूयॉर्क में? मैं पाकिस्तान से, जब मेरी पेशावर से फ्लाइट थी तो पेशावर से मैं आया हूँ फिलाडेल्फिया। उधर मेरी इमिग्रेशन हुई है और फिर मेरा मैंने होटल लिया था, होटल रिजर्वेशन की थी, वो मैंने की थी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। अच्छा, तो वज़ीर भाई, ये आपको कैसा लगा कि आप इतनी देर से यहाँ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, और कैसा लगता है आपको? आप अपनी फैमिली को मिस नहीं करते? ये तो ऐसा सवाल है कि इसका जवाब तो लाइक मेरा चेहरा ही आपको दे सकता है या मेरा दिल ही दे सकता है, इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ जो है वो फैमिली होती है। पैसे, दुनिया, किसी कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती, सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा। लेकिन ये पैसे आपको इस दुनिया में रहने के लिए आपकी ज़रूरत है, तो उसी के लिए हम इधर हैं और इंशाल्लाह अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। और अल्लाह हमसे वो ले जो अल्लाह उस पर राज़ी हो। माशाल्लाह वज़ीर भाई, ये बड़ी खुशी है आपसे मिलके के। माशाल्लाह आप बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं और अच्छा लगता है मुझे ऐसे दोस्तों से मिलके। इसलिए मैंने देखा, मैंने कहा क्यों ना इस भाई का जो है थोड़ा सा पूछा जाए। बहुत शुक्रिया जी। कोई ऐसी बात, ये बताएं कि ये जो अपना आप पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो और कौन सी स्टेट में या किसी मुल्क में आपने अपनी जो है कोई दिन गुजारे हों? या मैं इससे पहले मैं यूके गया था। अच्छा, इंग्लैंड? जो कि मैं लंदन में रहा था, उधर किंग क्रॉस में और हाईब्रिज लिंगटन में मेरी रिहाइश थी। वाल्थमस्टोन सेंटर में भी मैंने तकरीबन 6 महीने गुजारे हैं, और उसके बाद मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर मैं इधर आया। इधर में मैंने फ्लोरिडा में तकरीबन 3 दिन गुजारे हैं। 3 दिन के बाद मैंने अप्लाई किया न्यूयॉर्क, और बाकी सारा टाइम मैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है कि अगर आप एक दफ़ा न्यूयॉर्क आओ तो फिर न्यूयॉर्क आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, तो वज़ीर भाई ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान, अगर आपका दिल करता है जाने को, तो आप जा सकते हैं? इसी टाइम पे तो मैंने असाइलम जमा किया है इमिग्रेशन में। जी जी, तो मैं अमेरिका में हर जगह पे आई एम गुड जी जी टू गो, और लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता किसी भी मुल्क। अच्छा, किसी मुल्क में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह ताला आपको आपके पेपर वगैरह का जो भी मामला है ठीक करे। शुक्रिया। तो आप ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं उधर पाकिस्तान में, अगर वो दुनिया के दूसरे किसी भी जगह में जाना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहेंगे कि भाई उनको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या मतलब कोई भी आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं अपने दिल से कहूँ ना, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यकीन करो, यकीन करेंगे आप, जब आप अपने मुल्क से बाहर जाएंगे तो फिर आपको अपना पाकिस्तान जन्नत नज़र आएगा। लेकिन अभी अगर मेरे इसी वीडियो पे लोग कमेंट्स देंगे, लोग अपने कमेंट्स देंगे कि ये खुद उधर बैठा है और हमें ये बातें बता रहा है। अच्छा। लेकिन मैं यही बात इसके साथ लाइक टच करता हूँ कि आप लोगों को ये तब पता चलेगा जब आप बाहर मुल्कों में जाएंगे, जब आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इसलिए कि हमारा कल्चर, हमारा मुल्क में वो चीज़ें हैं और वो सुकून है जो आप कहीं और नहीं। पैसा आप अपने मुल्क से ज़्यादा इधर कमा सकते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो है सजेशन, मैं भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं भी यही दूंगा कि भाई अपने मुल्क में अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं, वहाँ लाइफ गुजारो, एंजॉय करो जिंदगी को। ये अल्लाह आपका सिस्टम सही करे अपने मुल्क में। अगर आपका सिस्टम अपने मुल्क में सही हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आप जो अपने घर का खाना वगैरह खुद पकाते हैं? हाँ जी, खुद कुकिंग करते हैं। रोटी पका लेते हैं आप? नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। ये बाहर के मुल्क जो है, ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देंगे। अच्छा, लाइन बनाना भी सिखा देते हैं? ये आपको सब कुछ सिखा रहे हैं। आपने आटे की बात की है, मैं हर दिन अपने लिए पराठा खुद बनाता हूँ, इसलिए कि मैं आटा गूंथता हूँ। यार किसी दिन मेरे लिए भी बनाओ।
मोस्ट वेलकम आप, हमें तो खुशी होती है, यकीन करे मेहमान दरवाजे से आता है हमारा दिल बाग बाग हो जाता है यार। ये तो बड़ी खुशी है वदीर भाई, जाते हो आपसे जरूर हम जब भी आपसे मिलेंगे पराठा जरूर खाएंगे। और आप पश्तो में पश्तो बोलते हैं, तो आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने पश्तून भाइयों के लिए या जो मैं भी उधर पश्तून भाइयों के लिए? लेकिन मैं आपको पश्तों में भी मैं आपको इनविटेशन दिया, अल्लाह दे हर कलरा वाला, अल्लाह दे मुंगलदा दगरा की चिस्ता मेहमान दगाऊ कुआ तजा मुंग मेहमान शे तजा मुंग जेतरा शे। ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दम पर जुन की ओ दगई छे खुदे पाके चाहता वर कई दर इंसान रिजिक दे पहर हर जे के نو زما چې کم رزق په لندن کې او کم په پاکستان کې او کم په لندن کې او بیا په پاکستان کې واه بس هغه خپل رزق پسې ګرځو، خپل رزق د دنیا نه راټولو، او الله تعالی دې ټول تاسو خوشاله او کامیاب ساتي، دا الله پامان وزیر زاده. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.